तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि चाबी ऑन करने पे यहाँ पे इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे डीपीएफ लाइट जो कि है, यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे शो कर रहा है, एयर बार का शो कर रहा है, यहाँ पे पावर हैंड ब्रेक जो आता है और जो इंजन ऑयल और चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो लाइट जो जला है ये लाइट है आपका एयर ब्रेक, अगर चार्ज जो है उससे कुछ कम रहेगा तब ये लाइट शो करता है। और यहाँ पे अभी देख पा रहे हो कि इसका जो इंडिकेटर बता रहा है यहाँ पे इसका लिफ्ट एक्सल हाई देन ऊपर उठा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं गाइस, इसका फुल डिटेल जो कि फ्यूज कहाँ पे रहता है इसका आज इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा इसका फ्यूज कहाँ कहाँ पे दिया है, मेन मेन फ्यूज और फ्यूज खराब होने पे क्या क्या दिक्कत आती है, तो आइए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि नीचे पहले इसका फ्यूज बक्सा बैटरी वगैरह लगा रहता था, अब देख पा रहे हो और इन्होंने ऊपर यहाँ पे अभी देख पा रहे हो कि यहाँ पे 30 एम्पियर का फ्यूज लगा रही, फ्यूज अगर खराब हो जाता है आपको दिखाता हूँ। फ्यूज मैंने निकाल दिया सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर फ्यूज खराब हो जाता है तो क्या दिक्कत आती है, तो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो इस तरह का इंटरफेस शो करता है, अभी आप देख पा रहे हो जब भी ये फ्यूज खराब हो जाता है DS6 में, मेन सप्लाई इसी अब तक नहीं पहुंचता है तब तक ये इस तरह का शो करता है इंटरफेस, अभी आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जो DPF का जो लेवल बता रहा था वो शो नहीं कर रहा है और यहाँ पे जो लाइट है वो ग्लिंग कर रहा है, अभी देख पा रहे हो, और यहाँ पे माल फंड से लाइट भी शो कर रहा है, अभी आप देख पा रहे हो सामने। और अब क्या करते हैं इस फ्यूज को अब लगाते हैं, क्योंकि जब भी फ्यूज खराब होता है तब इस तरह का प्रॉब्लम शो करेगा क्लस्टर मीटर पे, अभी आप देख पा रहे हो। तो क्या करते हैं फ्यूज लगाते हैं उसके बाद आपको दिखाता हूँ, तब तक पहले हम चाबी को ऑफ कर लेता हूँ। फ्यूज लगा भाई, फ्यूज लगा तो गाइस सब फ्यूज लगा दिया, आप दिखाता हूँ आपको। ये आप देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके सही हो गया, यहाँ पे जो लाइट शो हट गया था वो आ गया, क्योंकि जब तक पावर सप्लाई ECM का हट जाता है तब उस तरह का प्रॉब्लम आता है क्लस्टर मीटर। तो एक फ्यूज के बारे में समझिए जो मेन फ्यूज है ECM का, और आपको दिखाता हूँ अगला फ्यूज। आप देख पा रहे हो ये फ्यूज जो है यहाँ पे 500 एम्पियर यूज जाता है डायरेक्ट स्टार्टर मोटर कही जाता है, अगर ये फ्यूज खराब हो जाता है स्टार्टर मोटर तक पावर सप्लाई नहीं मिलता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 60 एम्पियर 40 एम्पियर और 40 एम्पियर ये जो है मेन पावर सप्लाई जाता है रिले वगैरह से जाता है, और जितने भी पावर रिले है ECM वगैरह से भी जाता है। तो यहाँ तक भी फ्यूज आप देख पा रहे हो जो कि मेन फ्यूज है वो बैटरी का बगल में रहता है, और आपको दिखाता हूँ छोटा सा फ्यूज मेन। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो थोड़ा सा रुकिए, ये यहाँ पे देख पा रहे हो RRIL लैंप रिले, तो यहाँ पे रियर लैंप रिले का दिया है और स्टार्टर लॉकआउट रिले और हॉर्न रिले वाइपर रिले इसमें सब कुछ लिखा हुआ आप देख पा रहे हो, वाइपर हाई रिले पुलओवर रिले और फ्रंट फॉग लैंप रिले, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो DEF सेंसर पावर रिले जो कि यूरिया से रिलेटेड। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे फ्यूज बक्सा कवर है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और अभी आप देख पा रहे हो शुरू में रियर लैंप रिले है, और यहाँ पे स्टार्टर लॉकआउट रिले हॉर्न रिले यहाँ सब कुछ लिखा हुआ, वाइपर ऑन ऑफ रिले और वाइपर हाई रिले और ब्लोअर रिले यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फ्रंट फॉग लैंप रिले और DEF सेंसर पावर रिले, यानी कि जितने भी सेंसर जाते हैं DPF से रिलेटेड यूरिया से रिलेटेड यहाँ से ही पावर सप्लाई उन लोगों को मिलता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो इग्निशन रिले, अगर ये रिले खराब हो जाएगा तब तक वो पावर सप्लाई नहीं शो करता है किसी तरह ECM वगैरह या तो फिर DEF में, मतलब पावर सप्लाई शो ही नहीं करेगा। उसके बाद देख पा रहे हो यहाँ पे हेडलाइट हाई रिले और हेडलाइट लो भी रिले,
और यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो सोलेनॉइड रिले कॉइल्स, जितने भी यहाँ पे देख पा रहे रिवर्स लैम्प, रिवर्स हॉर्न एंड इग्निशन सप्लाई, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब देख पा रहे 5 एम्पीयर का एक जो एक फ्यूज आता है खराब हो जाता है तो यहाँ पावर सप्लाई नहीं मिलता है। पीला वाला वायर अब देख पा रहे हो यहाँ पे, इस तीनों में वायर सप्लाई नहीं, और फ्यूज उड़ जाएगा 5 एम्पीयर का तो यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं आएगा चाबी ऑन करने पे। और उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे हो म्यूजिक सिस्टम HSV हाई, तो यहाँ पे जो कि 12 वोल्ट सप्लाई आपको मिलता है इधर। यहाँ पे ई फ्यूज उड़ जाने पर आप देख पा रहे हो 10 एम्पीयर का फ्यूज आप देख पा रहे हो, जस्ट ही 5 एम्पीयर नीचे 10 एम्पीयर फ्यूज उड़ने पे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ABS ECU बैटरी सप्लाई उसके जस्ट 20 एम्पीयर का, और IC डायग GPS बैटरी। और अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो 10 एम्पीयर का फ्यूज वो मेन फ्यूज है इसका, IC से रिलेटेड जितने भी इसका, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप देखो BCM व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल BCM यहाँ पे भी दिया गया है। और DF सेंसर पावर 10 एम्पीयर का, और EMS एंटी इग्निशन, जब भी हम चाबी ऑन करते हैं तब यहाँ ई फ्यूज कट जाने पे गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि पावर सप्लाई जो ECM में हम चाबी ऑन करते हैं तब पावर सप्लाई ECM तक जाता है। और यहाँ पे आप देखो IC GPS और ECU, जो कि ये फ्यूज जो आप देख पा रहे हो ये है आपका BCM का फ्यूज स्पेशल, BCM से रिलेटेड, और ABS VACM और स्टार्टर फॉरेस्ट रिले और एयर बैटरी सप्लाई एयर इग्निशन सप्लाई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हर तरह का फ्यूज यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, और कौन सा फ्यूज है खुद इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं। और एक्स्ट्रा यहाँ भी फ्यूज आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप नीचे पे देख पा रहे हो ये वाइपर कंट्रोलर, जो कि टाइमर जो बोल सकते हैं कि, और यहाँ पे आप देख पा रहे रिवर्स हॉर्न टाइमर, जब भी हम रिवर्स हॉर्न करते हैं तो यहाँ पे फ्लैशर दिया गया आप देख पा रहे हो, ये जो कि बैंगनी कलर का आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये फ्लैशर है, और बैक हम जब रिवर्स ऑन करते हैं तब यहाँ फ्लैश करते हैं। और बगल में आप देख पा रहे हो यहाँ पे हेडलाइट का, ये हेडलाइट का पार्किंग तो हेडलाइट के देख पा रहे हो, हेडलाइट हाई, हेडलाइट लो और पार्किंग लेफ्ट राइट। और ये फ्यूज देख पा रहे हो 5 एम्पीयर का, ये है SCS से रिलेटेड, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो SCS यानी कि जो ये देख पा रहे SCS, ये आपका जो है फ्यूज से रिलेटेड, और इसमें स्टेयरिंग में एक स्टेयरिंग में जो लगा है स्टेयरिंग में सेंसर लगा हुआ है, स्टेयरिंग सेंसर, जो कि हम लिफ्ट जब भी हम टर्न राइट या टर्न लेफ्ट स्टेयरिंग को घुमाएंगे तब तक वो लिफ्ट यहाँ से उठ जाता है। तो इसका फ्यूज है आप देख पा रहे हो, और यहाँ पे फ्यूज देख पा रहे हो ये 5 एम्पीयर का फ्यूज देख पा रहे हो, और उसका जस्ट नीचे जो कि 15 एम्पीयर फ्यूज है वो है SC DPC सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई जो 12 वोल्ट सप्लाई करता है, सॉरी SC से DC जो 12 वोल्ट सप्लाई रहता है पावर वो है। और उसका जस्ट नो नीचे ऑपोजिट साइड यहाँ पे आप देख पा रहे हो वहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई देने के लिए यहाँ पे पावर सॉकेट इन्फो SC, और जस्ट नीचे ऑफ इसका भाई सभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिले जो ब्लैक कलर का है वो आप वो स्टॉप लैंप रिले, जब भी हम ब्रेक दबाते हैं तो यहाँ से होते हुए पीछे जितने भी ब्रेक लाइट है उस यहाँ से हो जाता है, मतलब स्टॉप ब्रेक लैंप पे रिले, और उसका जस्ट नीचे पार्किंग रिले है, और उसके पीछे जब भी EMS ब्रेक यानी कि इंजन कंट्रोल जो रेटेड होता है यहाँ से रिले, और इसका जस्ट नीचे है
वो म्यूजिक सप्लाई जो कि 12 वोल्ट सप्लाई आता है, जब भी हम एक बार चाबी ऑन करते हैं तब यहाँ पर सप्लाई आता है। तो इस तरह का आपका कुछ इंटरफेस मिल जाता है। और जितने पहले सुन क्या था कि इंडिकेटर या तो फ्लासर वगैरह इसका फ्यूज वगैरह दे जा रहा था, लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें आप देख पा रहे हो डायरेक्ट BCM लगा हुआ है। जितने भी इंडिकेटर वगैरह का ये सप्लाई खुद ये काम करता है। और यहाँ वाइपर का भी दिया गया है। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लाइट मीडियम हाई जो तीनों बटन है वो पिकअप के अनुसार काम किया जाता है। कि जब भी अगर हम समतल जगह पे चल रहे हैं तब इस बटन को यूज कर सकते हैं लाइट मोड। यहाँ पे देख पा रहे हो लाइट दबाने पे लाइट, यहाँ पे भी क्लस्टर मीटर पे लाइट का 100 सिग्नल जल गया। और जिस तरह आप अनुसार यूज कर सकते हैं, चढ़ाई के अनुसार जिस तरह चढ़ाई रहते उस अनुसार यूज कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हो और यहाँ पे देन हाई। ओके और इसका आप देख पा रहे हो जस्ट नीचे इसका जो यहाँ पे दिया गया है, ये जो दोनों बटन है वो स्पेशलिस्ट जो दिया गया है रीजेनरेशन रिक्वायर्ड, यानी जब भी साइलेंसर में किसी तरह सा मतलब जम जाता है कचरा वगैरह या किसी तरह सा उसमें जो धुआं तरह का रहता है उसमें जम जाता है, जब भी DEF रीजेनरेशन करना जब भी DEF उसमें इंजेक्ट करता है तब क्या आता है कि वो उसमें मिक्सिंग होता है यूरिया से रिलेटेड और जितने भी एग्जास्ट धुआं जो निकलता है उससे मिक्सिंग होके जब भी वो धुआं मिक्स होता है तब वो एक कचरा के रूप में ले जाता है और साइलेंसर जाम हो जाता है, तभी रीजेनरेशन रिक्वायर्ड मांगता है। और तो तभी हम मैन्युअली तरीके से इसको कर सकते हैं ये दोनों बटन यूज किया करने के लिए। और नीचे आप देख पा रहे हैं जो लाइट है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये लाइट जो है वो इंजन में एक साइड बल्ब सा लगा हुआ छोटा सा, वो कभी भी तरह अगर मतलब लाइट में रात के समय हम लाइट इसको जला के देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रंट रियर लेफ्ट एक्सल का जो दिया गया फ्रंट का, और नीचे आप देख पा रहे हैं HSE है। और तो आप जानते हो कि कभी भी अगर किसी तरह सा ब्रेक कम लगता है या तो किसी तरह ज़्यादातर ढुलाई वगैरह में लामने के लिए इसको यूज किया जाता है समतल जगह पे। और यहाँ पे भी देख पा रहे हो फ्रंट इसको लिफ्ट एक्सल बिठाने के लिए, और यहाँ पे देख पा रहे हो इंजन ENG लिखा है एग्जास्ट ब्रेक, जब भी इसको यूज करेंगे ये अधिकतर जब भी हम ढुलाई के लिए नीचे जैसे पहाड़ी के नीचे जब ढूंढ रहे उस समय यूज किया जाता है। और यहाँ पे देख पा रहे हो हजार स्विच है। तो कुछ इस तरह इंटरफेस। और यहाँ पे आप देख